हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल शर्मा, योर मैथमेटिक टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम स्ट्रेट लाइन पर वर्क करेंगे एक नए कंसेप्ट पे। कंसेप्ट का नाम है पॉइंट एंड लाइन, है ना। पॉइंट एंड लाइन में हम ये कंसेप्ट सीखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट किसी लाइन के किस साइड है, ठीक है ना। यह हो सकता है कि आपको पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हों और आपसे कहा जाए कि ये बताएं कि ये जो पॉइंट है किसी लाइन के अबाउट सेम साइड पर है या फिर अपोजिट साइड पर है। ऑल राइट, तो हम आज इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या तो कंसेप्ट है हमारा, क्या पॉइंट एंड लाइन। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम कह पाएंगे। चलिए देखिए, तो है क्या कंसेप्ट आज का, हमारा टॉपिक है पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। किसी भी पॉइंट की पोजिशन बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। एक लाइन हमने अज्यूम करी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये लाइन है कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दी मैंने इस लाइन को। तो ये लाइन कुछ इस तरह से मैंने कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ किया। कार्टेशियन प्लेन है हमारा क्या, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है ना। अब देखिए जरा कैसे हम पोजिशन बताएंगे किसी भी पॉइंट की विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। उसके लिए करेंगे क्या, हमने क्या किया कि एक पॉइंट लिया पी नॉट। ऑल राइट, तो कोई पॉइंट लिया पी नॉट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है ना। एक पॉइंट लिया पी नॉट जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब ये पॉइंट पी हमने कहा किसके ऊपर है, ये पॉइंट P इस गिवन लाइन के ऊपर है कि नहीं। अब देखिए ये पॉइंट P जो P नॉट है, सॉरी P नहीं है, P नॉट है, ये पॉइंट P नॉट इस गिवन लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू जीरो पर लाई कर रहा है। अब उसके ऊपर मतलब उस पर लाई कर रहा है। अब लाई करने का मतलब क्या हुआ, लाई करने का मतलब ये हुआ कि X नॉट और Y नॉट को जब इस पर आप सेटिस्फाई कराओगे तो इक्वल टू जीरो आएगा। ऑल राइट, यस, इतनी बात तो सबको क्लियर हो रही होगी कि अगर हमने इस एक्स यानी कि पॉइंट पी नॉट जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट और इसको इस लाइन पर सेटिस्फाई कराया, गिवन लाइन पर सेटिस्फाई कराएंगे, मतलब अगर ये लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है और सेटिस्फाई कराएंगे तो इक्वल टू वैल्यू जीरो आएगी। ऑल राइट, तो क्या कहने का मतलब है हमारा, कहने का मतलब यह है कि कोई लाइन है L, सपोज दैट ये लाइन L है और इस पर हमने पॉइंट P नॉट को सेटिस्फाई कराना है। तो जब आप सेटिस्फाई कराएंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे X के प्लेस पर X नॉट आ जाएगा और Y के प्लेस पर Y नॉट आ जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, रिजल्ट आएगा ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी। सिंस दिस पॉइंट लाइज along this line, तो it will satisfy it, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब होगा क्या, हमने ये किया कि इसी पॉइंट से पास करने वाली एक इस line, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी हमने, इस पॉइंट से पास कर रही है और एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ करी। इस वर्टिकल लाइन पर एक हमने पॉइंट लिया P1। ऑल राइट, अब इस P1 के देखिए P1 के कोऑर्डिनेट होंगे क्या, P1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए ये जो पॉइंट सॉरी ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये इस पॉइंट P0 से पास कर रही है और वर्टिकल है, ठीक है ना। तो इस P1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें एप्सिसा आपका सेम होगा जो इस P0 के कोऑर्डिनेट का एप्सिसा है। क्यों होगा, क्योंकि ये जो P1 पॉइंट है इस वर्टिकल लाइन पर ड्रॉ हो रहा है, सॉरी इस वर्टिकल लाइन पर लाई कर रहा है जो इससे पास कर रहा है पॉइंट P0 से। अगर ऐसा है तो इसका एप्सिसा तो X0 ही होगा, लेकिन ऑर्डिनेट कुछ भी होगा मैंने कह दिया वो Y1 है। ऑल राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। तो P1 के कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिए क्या, X0 कॉमा Y1। अब देखिए जरा, अब ये P1 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा,
क्योंकि अब P1 पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा, इससे कुछ ऊपर लाई कर रहा है ना, समझ रहे हैं ना। लेकिन एक बात ये क्लियर होगी कि अगर इसकी वैल्यू इस गिवन लाइन पर हम पुट करेंगे, इस P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस गिवन लाइन पर पुट करेंगे, तो एक बात और समझ लीजिए आपके कन्वीनियंस के लिए, मैं ये कह देता हूं कि ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, है ना। ए कॉमा बी कॉमा सी सारे क्या है, पॉजिटिव, मतलब रियल वैल्यूज है और साथ में पॉजिटिव है, ये कह दिया मैंने। ऑल राइट, अब हुआ क्या, ये ए बी सी क्या है, एक्स वाई और कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स का कॉफिशेंट वाई कॉफिशेंट ए और बी है और सी क्या है कॉन्स्टेंट, ये पॉजिटिव वैल्यूज है। अब देखिए जरा, जब आप P1 को यानी पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट को इस लाइन पर सेटिस्फाई करेंगे, मतलब पुट करेंगे, तो क्या होगा रिजल्ट, देखिए जरा क्या होगा। मैंने इस लाइन पर P1 के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कराने, मतलब पुट कराने, तो क्या रिजल्ट आएगा, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई वन प्लस सी, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो होगा नहीं क्योंकि इस पर लाई कर ही नहीं रहा इस गिवन लाइन पर। अब देखिए जरा, ए एक्स नॉट तो ऊपर वाला ही है और सी भी ऊपर है, बी ए एक्स नॉट सी और ये जो कोफिशियंट है बी, ये सारी वैल्यूज तो पॉजिटिव है कि नहीं। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो वाई वन है इस वाई नॉट से तो ऊपर है, मतलब इस वाई वन की वैल्यू वाई नॉट से तो ज्यादा है। अब आप देख पा रहे हैं इस, ये भी वैल्यू पॉजिटिव थी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, देख रहे हैं ऊपर, ये तो दोनों ऊपर की पॉइंट मतलब वैल्यूज है, बी भी पॉजिटिव हमने कहा है। अब आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो वाई वन है इस वाई नॉट से ऊपर लाई कर रहा है, तो जब ये वाई वन जो है वाई नॉट से ऊपर, इसका मतलब ये वैल्यू इस वाई नॉट से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि ए एक्स नॉट प्लस बी वाई वन प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव ही आएगी, है ना। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। इसी तरह से हमने एक पॉइंट पी टू और लिया इसी वर्टिकल लाइन पर, एक पॉइंट पी टू और ले रहे हैं इसी वर्टिकल लाइन पर, तो रिजल्ट क्या होगा, जब आप इसी वर्टिकल लाइन पर ले रहे हैं दूसरा पॉइंट पी टू, तो उसका एब्सिसा तो एक्स नॉट ही होगा ना, लेकिन जो ऑर्डिनेट होगा वो कुछ होगा, मैंने कहा वो वाई टू है। ऑल राइट, अब देखिए जरा, अब इस पॉइंट को जब इस लाइन पर पुट करोगे, इसकी वैल्यू जब इस पर रखेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा जरा देखिए, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई टू प्लस सी। अब देखिए जरा, अब आप देख पा रहे हैं क्या कि ये जो y2 है इस y1 से ऊपर है, या यूं कहूं ये y2 जो है इस y0 से ऊपर है। तो जब y1 पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही थी, जब क्योंकि x0 तो फिक्स है, वो तो बदल ही नहीं रहा है, क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि वो एक ही वर्टिकल लाइन पर है, जब ये x0 है तो इसी वर्टिकल लाइन पर जो उस पॉइंट से पास करती हुई वर्टिकल लाइन है उसी पर तो पी1 और पी2 है, तो x0 तो फिक्स रहेगा, मतलब ये वैल्यू और कॉन्स्टेंट टर्म तो पॉजिटिव है। जब y1 हमने कहा पॉजिटिव है क्योंकि वो x सॉरी y0 से ऊपर है, तो भैया ये y2 भी तो पॉजिटिव होगा क्योंकि अब ये y1 से भी ऊपर है और y0 से भी ऊपर है। तो ये भी बात क्लियर होगी कि p2 के कोऑर्डिनेट अगर इस पर पुट करते हो, आप p2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये वैल्यू पूरी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ऑल राइट, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, समझ पा रहे ना कैसे पॉजिटिव आया। अब क्या हुआ, हमने इसी लाइन पर नीचे की ओर, लाइन से नीचे की ओर एक पॉइंट Q लिया, Q1 ले लिया। तो अब Q1 ले लिया हमने कोई पॉइंट, तो पॉइंट तो इसी वर्टिकल लाइन पर है, लेकिन अब ये पॉइंट इस लाइन से नीचे है। अगर ये पॉइंट Q1 इस गिवन लाइन से नीचे है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड करने हो, तो मैं क्या करूंगा कि एब्सिसा तो सेम होगा, वो होगा एक्स नॉट, लेकिन ऑर्डिनेट कुछ बदल गया, मैंने कहा y3 हो गया, है ना। अब ये y3 जो वैल्यू है y0 से नीचे की ओर है, y0 से कम है इसकी वैल्यू, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है। अब ये वैल्यू अगर नेगेटिव है
तो पी थ्री पर क्या मिलेगा आपको, तो पी थ्री पर क्या मिलने वाली है वैल्यू, देख पा रहे हैं आप, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव थी लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव है। अब जब ये वैल्यू नेगेटिव है तो आप कहोगे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो समझ पा रहे हैं? अब देखिए जरा कंक्लूजन क्या निकल के आया हमारा, देखिए जरा कंक्लूजन ये निकल के आया कि ये पी वन पॉइंट और पी टू पॉइंट दोनों सेम साइड थे। तो जब पी वन पॉइंट और पी टू पॉइंट इस लाइन के से ऊपर की ओर सेम साइड पे थे तो इन दोनों पर वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मतलब कहने का, पॉजिटिव कहने का मतलब है कि दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है, दोनों पर वैल्यू सेम साइन की आ रही है जब हमने P1 और P2 पर रखा था। लेकिन जैसे ही हमने Q1 की वैल्यू रखी, तो जैसे ही मैंने Q1 की वैल्यू रखी आप देख पा रहे वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है। तो मतलब कहने का अगर P1, P2 और Q1 में रिलेशन देखा जाए तो जो पॉइंट लाइन के सेम साइड थे उन दोनों के साइन सेम ही आ रहे थे। यहां पर पॉजिटिव आए थे, हो सकता है क्या कि नेगेटिव आए, लेकिन एक बात क्लियर हो रही है वो ये, मोटी मोटी ये बात क्लियर हो रही है कि अगर कोई पॉइंट लाइन के सेम साइड पर है तो उस सिचुएशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम साइन की आएगी। और अगर वैल्यू सेम साइन की आएगी तो इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी तो कह सकते हैं कि अगर वैल्यू सेम साइन की आएंगी तो आप कहोगे वो दोनों पॉइंट जो है वो पेयर ऑफ पॉइंट लाइन के सेम साइड है। वो हो सकता है लाइन के ऊपर हो या नीचे हो, लाइन के ऊपर थे तो पॉजिटिव था, लाइन के अगर नीचे हो जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। अगर आप इसके एक नीचे पॉइंट ले लोगे Q2, जिसके इसी लाइन पर, जब इसी लाइन पर एक वर्टिकल लाइन पर एक नीचे की ओर पॉइंट Q2 ले लोगे तो वैल्यू और नेगेटिव आएगी, क्योंकि अब जो होगा वो X0 Y4 हो जाएगा। तो जब Y4 आ जाएगी वैल्यू तो Y4 Y3 से भी कम हो जाएगा तो वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव आएगा। तो जब नेगेटिव आएगा तो Q1 पे भी नेगेटिव, Q2 पे भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन साइन तो सेम रहेंगे ना। तो एक कंक्लूजन क्लियर हो गया कि जो पॉइंट लाइन के सेम साइड होंगे उनके साइन सेम होंगे, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, लेकिन दोनों के साइन होंगे ही सेम। लेकिन अगर आप पी वन और क्यू वन में देखें जरा, तो P1 और Q1 को देख के क्या आपके पास कंक्लूजन आएगा, तो P1 पर देख रहे हैं वैल्यू पॉजिटिव आ रही है लेकिन Q1 पे वैल्यू आपको नेगेटिव आ रही। मतलब कहने का कि अगर आपके, अब देखिए ये P1 और Q1 क्या है, लाइन की अपोजिट साइड है, तो साइन अगर आपके रिवर्स आते हैं, अपोजिट आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है वैल्यूज, तो आप कहोगे ये दो पेयर ऑफ पॉइंट है ये लाइन के अपोजिट साइड है। और अगर सेम साइन की वैल्यूज आएंगी तो आप कहेंगे पॉइंट्स जो होंगे कैसे होंगे, वो पॉइंट्स जो होंगे वो लाइन के सेम साइड होंगे। ऑल राइट, अब ये जो कंसेप्ट हमने आपको बताया, ये जो पॉइंट दिए या कंक्लूजन दिया, ये कंक्लूजन वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग पॉइंट को रखते हुए दिया था, आप इसे हॉरिजॉन्टल लेके भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जरा कैसे देखते हैं, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली इसी पॉइंट से पास कराती हुई, अब यहां पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, वो पॉइंट क्या है हमारा, सपोज दैट पॉइंट आर है, पी ले लिया क्यू ले लिया, अब आर ले लेते हैं। अब देखिए जरा आर पर, देखिए क्या इस पर एक्स की वैल्यू सेम होगी, नहीं एक्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, मैंने कह दिया वो एक्स वन है, लेकिन वाई की वैल्यू तो सेम होगी ना, क्योंकि उसी लाइन पर है ना, देखिए आप, तो वाई की वैल्यू सेम होगी, मतलब ऑर्डिनेट सेम होगा, वो होगा वाई नॉट। अब जरा इस पर देखते हैं वैल्यू क्या आती है हमारी, तो वैल्यू क्या आएगी जरा देखें, जब आप इसके कोऑर्डिनेट इस लाइन पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स वन बी वाई नॉट प्लस सी, ठीक है ना। आप जरा देखें बी वाई नॉट प्लस सी, ये तो वैल्यू पॉजिटिव थी, अब और ए भी पॉजिटिव है क्योंकि यहां पर हमने कन्वीनियंस के लिए आपके लिए बता रखा है कि ए बी सी कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो मसला किस पे फंसा, मसला फंसा जो हमारा पॉइंट फंस रहा है वो किस पे, x1 पे। अब जरा x1 और x0 को गौर कीजिए, x1 x0 से दूर है, यानी x1 x0 से
बड़ी वैल्यू होगा कि नहीं होगा? अगर एक्स वन एक्स नॉट से दूर है तो एक्स वन की वैल्यू एक्स नॉट से बड़ी होगी कि नहीं होगी? अब जब एक्स नॉट पर वैल्यू जीरो आता तो एक्स वन पे वैल्यू पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा? एक्स नॉट पर वैल्यू आपकी जीरो आ रही थी तो एक्स वन पे वैल्यू पॉजिटिव आई कि नहीं आएगी? मतलब आ रही। अब एक पॉइंट आप एस ले लीजिए इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या कहेंगे आप? मैंने कहा एक्स टू कॉमा वाई नॉट, एब्सिसा चेंज होगा लेकिन ऑर्डिनेट तो वही रहेगा। अब आप देखिए जरा एलएस पे, आप एलएस पे चेक करेंगे तो एलएस पर जरा चेक कीजिए, देखिए क्या वैल्यूज आएंगी। वैल्यूज तो ये आती हैं क्या कि ए एक्स नॉट प्लस बी, सॉरी ए एक्स टू प्लस बी वाई नॉट प्लस सी। अब देखिए जरा इस पर क्या रिजल्ट आता है। ये सारी वैल्यूज तो ठीक है, पहली वाली है पॉजिटिव है, लेकिन जो पॉइंट यहां पर, अब हम कैसे यहां पर फंस गए, यहां पर फंस गए एक्स नॉट सॉरी एक्स टू को लेके। तो एक्स टू को देखिए, एक्स टू जो है वो एक्स नॉट से पहले है, इसका मतलब एक्स टू की वैल्यू एक्स नॉट से कम होगी। एक्स नॉट पर वैल्यू जीरो मिल रही थी तो एक्स टू जो है एक्स नॉट से कम है तो वैल्यू कम ही मिलेगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू आने लगेगी। अब आप देखिए जरा, अब हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो क्लियरली आपको समझ में आने वाला है। आप पी वन को देखें, पी टू को देखें और आर पॉइंट को देखें। पॉइंट पी वन पी टू एंड आर, सी दीज थ्री पॉइंट्स एंड ऑल्सो सी देयर रिजल्ट। तो पी वन पर साइन देखिए, पी टू पर साइन देखिए और आर पर साइन देखिए, तीनों के साइन सेम है। अब जब तीनों के साइन सेम है वो यहां पर पॉजिटिव आ रहा है लेकिन साइन तो सेम है। तो अब पॉइंट्स को देखिए, पॉइंट्स तीनों पॉइंट्स पी वन पी टू एज वेल एज आर, ये तीनों एक ही साइड तो है लाइन के, इस गिवन लाइन के ये तीनों पॉइंट एक ही साइड है। वहीं आप एस को देखिए और क्यू वन को देखिए, ठीक है ना? तो क्यू वन हमने एक ही लिया है तो आप Q कह दो, ठीक है ना? तो S को देखो और Q को देखो, इन दोनों के साइन देखो सेम है, नेगेटिव है सेम है। अब ये भी तो दोनों सेम साइड ही हैं, तो रिजल्ट समझ रहे हैं ना कि जो भी पॉइंट लाइन के सेम साइड होंगे उनके साइंस सेम जरूर होंगे, ठीक है ना? जो पॉइंट सेम साइड होंगे उनके साइंस सेम होंगे। वो हो सकता है उनकी सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही उन सारे पॉइंट्स की, या सारे पॉइंट्स की पॉजिटिव, लेकिन आएगी सेम साइन पे। लेकिन जो पॉइंट आपके अपोजिट साइड है, आर और एस को देख लें, पी वन और एस को देख लें, आर और एस को देखें तो दोनों कैसे हैं? अपोजिट साइन के। पी वन और एस को देखें तो दोनों अपोजिट साइन के। मतलब ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या कि जो भी पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड होंगे उनके साइन कैसे होंगे? अपोजिट होंगे। और जो पॉइंट्स लाइन के सेम साइड होंगे उनके पॉइंट्स सॉरी उनके साइन कैसे होंगे? सेम होंगे। ऑल राइट, तो ये था कंक्लूजन। हमारा जो कंसेप्ट था, हमारा जो टॉपिक था कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, तो ये अब हम क्लियर कर लेंगे। ऑल राइट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना? बहुत आसानी से सारी बातें डिस्कस करी हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट, ठीक है ना? कमेंट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। ओके, चलिए अब देखिए ये सारी बातें तब और अच्छे से समझ में आती हैं जब हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, कह रहा है कि कमेंट करें, कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स माइनस थ्री कॉमा माइनस वन एंड माइनस टेन कॉमा टू विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। हमें इन दोनों पॉइंट पर कमेंट करना है, ठीक है ना? इन दोनों पॉइंट की पोजीशन पे, पॉइंट पर नहीं, पॉइंट की पोजीशन पे कमेंट करना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। अब कमेंट का मतलब यह है कि ये बताना है कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के रेस्पेक्ट में कहां पर है, सेम साइड पर है या अपोजिट साइड पर है। अब ये कैसे कहेंगे? ये हम तब कह पाएंगे ना जब इस पॉइंट को इस लाइन पर पुट करेंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही कि नेगेटिव आ रही। फिर इस पॉइंट को
इस लाइन पर पुट करेंगे और फिर देखेंगे इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर दोनों पॉइंट को रखने पर वैल्यू कैसी आ रही, सेम साइन की आ रही है, मे बी पॉजिटिव, मे बी बोथ द वैल्यूज आर पॉजिटिव और बोथ द वैल्यूज आर नेगेटिव, लेकिन साइन दोनों के सेम है तो आप कहेंगे कि दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड होंगे। और अगर दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है, मतलब एक के थ्रू वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक के थ्रू वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप कहेंगे दोनों पॉइंट कैसे अपोजिट साइड है। चलिए चेक करते हैं। तो आपके हमने कहा कि इसको आपने ए कह दिया और इसको बी पॉइंट कह दिया हमने, तो लाइन पर आप रखते हैं तो ए पॉइंट पर जरा वैल्यू देखें क्या आती है, -3 -1 +7, तो क्या वैल्यू आ रही है, ये कितना हो जाएगा -3, ये भी -3, तो -3 -3 -6 +7, यानी वैल्यू कैसी आ रही है 1, जो कि कैसी है पॉजिटिव है। अब बी पर चेक करें, तो बी पर चेक करते हैं जरा, -10 3 × 2 +7, तो -10 ये 3 × 2 = 6 और 6 + 7 कितना हो जाएगा 13 13 - 10 3, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो जब दोनों की वैल्यू कैसी आ रही, सेम साइन क्या आ रही, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, वैल्यू नहीं चेक करनी है उनके साइन चेक करने हैं, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ठीक है ना, इसका मतलब आप क्या कहोगे कि जब दोनों के साइन सेम है तो ये दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड ही क्या कर रहे होंगे, लाई कर रहे होंगे ठीक है ना, तो क्या होंगे सेम साइड पे। तो क्या कमेंट आया हमारा, कमेंट आया हमारा कि पॉइंट्स आर लाइंग ऑन सेम साइड, तो ये कमेंट आया ठीक है ना, सेम साइड लाई कर रहे हैं। ऑल राइट, तो ये एक छोटा सा था, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आसान सा था तो क्या हुआ, लेकिन UPTU वगैरह एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। और अगर आपको ये कंसेप्ट ना मालूम होता तो आप बता ना पाते कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहे हैं, सेम साइड है या अपोजिट साइड है। ऑल राइट, ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए एक एग्जाम्पल लिया, इफ़ a, a² फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय लाइंस y = x/2 ठीक है ना, यहां पर x पॉजिटिव है एंड y = 3 यहां पर भी x पॉजिटिव है, तो a जो है वो बिलोंग करेगा, देन a बिलोंग्स टू इन विच ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है ये IIT JEE 2006 में पूछा जा चुका है। अब IIT JEE में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है, समझ रहे हैं ना, तो जरा देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, एक मेथड जो इस पॉइंट से रिलेट करता है जो हमने डिस्कस किया, पॉइंट एंड लाइन या फिर पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, उस पर बेस है। अब उस पर बेस है तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसे हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखते हैं जो इस कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है उस पर कैसे सॉल्व करेंगे उसकी हेल्प से, फिर दूसरा कंसेप्ट सॉल्व करते हैं, दूसरे कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे ठीक है ना, दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं मेथड 1। अब हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन है y = x/2 और दूसरी लाइन है y = 3x। अब आपने स्ट्रेट लाइन में इतना तो पढ़ ही लिया है अभी तक कि इनको देखकर ये तो बता ही सकें कि ये लाइन कैसे है, कहां से पास करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आप अगर देखें तो दोनों ही जो लाइंस हैं वो y = mx के बेस पर क्वेश्चंस हैं, ये दोनों ही लाइंस जो हैं फॉर्मेट y = mx पर बेस्ड है। तो y = mx जो लाइन होती है वो कैसे ड्रॉ होती है, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो चलिए देखते हैं, पहले y = x/2 ड्रॉ करते हैं, तो y = x/2 ऐसी कोई लाइन होगी, ये है आपकी समझ लीजिए y = x/2। अब y = 3x,
अब इस लाइन की स्लोप इससे तो ज़्यादा है, इसकी 1/2 है, इसकी 3 है, तो कुछ इससे ऊपर की ओर बनेगी, ये है y इक्वल टू 3x। ओके, अब इनके बीच एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है a, a² ये पॉइंट इन दोनों लाइंस के बीच जो एंगल है वहां पर कहीं लाई कर रहा है, वहां पर कहीं फॉल कर रहा है। कह रहा है ना कि पॉइंट, इफ पॉइंट a, a² फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय दीज लाइंस, तो इन दोनों के बीच कहीं पर है। सपोज दैट वो पॉइंट ये है a, a², है ना, ये पॉइंट है। तो ये दो पॉइंट की जो वैल्यूज हैं, ये जब ये पॉइंट है इन दोनों के अलोंग, कैसे आप कहोगे कि सेम साइड है या अपोजिट साइड है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसको रखने पर या नेगेटिव आएगी। तो चलिए देखते हैं उसके लिए करते क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं क्या अलोंग द एक्स एक्सिस 1, 0, और एक लेते हैं अलोंग द वाई एक्सिस 0, 1, ठीक है ना। अब देखिए जरा, ये इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2i हो जाएगा, मतलब x - 2y = 0। अब देखिए जरा होगा क्या, इस पॉइंट को इस पर लाई कराएं जरा, तो रिजल्ट कैसा आएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कैसी आएगी इस पॉइंट पर, पॉजिटिव आ रही। तो इसका मतलब ये बात क्लियर है क्या कि अगर 1, 0 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो a, a² पर वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि a, a² इस लाइन के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड है। तो अगर अपोजिट साइड साइन इस पॉइंट के अपोजिट होगा, इस पर अगर पॉजिटिव मिल रहा है इस पर आपको नेगेटिव मिलेगा, और जब यहां पर आप वैल्यू रखेंगे तो a - 2a² पर वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो ये आपकी कंडीशन 1 हो गई। अब इसके लिए चेक करते हैं, तो जरा इसको देखेंगे क्या इक्वेशन बन के आएगी, 3x - y = 0। अब जब यहां पर ये वैल्यू रखेंगे इस लाइन पर ये वैल्यू पुट कराएंगे तो वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। देखिए जरा 0 और a - 1, तो यहां पर इस पॉइंट पर इस लाइन के लिए वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इस पॉइंट की वैल्यू इस लाइन के लिए पॉजिटिव आएगी, मतलब a - a² के लिए ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम, ये हमारे पास दो इनइक्वलिटीज हैं, इन दो इनइक्वलिटी को जब आप सॉल्व करोगे और वेवी कर मेथड से चेक करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। अब यहां से वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, देखिए जरा a कॉमन ले लेते हैं, तो a - 1 - 2a, तो एक पर a की वैल्यू लेस देन वन आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है, और एक पर क्या आ रही है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 आ रही है। ऑल राइट, यहां पर चेक करें जरा, तो यहां से भी a कॉमन ले लेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 3 - a < 1। अब देखिए जरा यहां पे, अब जब देखिए a पर तो वैल्यू लेस देन आ ही रही है, 3 - a < 1, यानी कि a पर वैल्यू 3 से बड़ी आ रही है, एक पर वैल्यू 1/2 से बड़ी आ रही है, एक पर वैल्यू 3 से बड़ी आ रही है। आप चेक करेंगे तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला डी पार्ट, ठीक है ना। तो वेवी कर मेथड से ये वैल्यू मिल रही हमको। ऑल राइट, तो ये था मेथड फर्स्ट, जो किस पर बेस था, पॉइंट एंड लाइन पर बेस था। अब जरा देखिए मेथड सेकेंड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कंसेप्चुअल। ऑल राइट, ये तो जर्नल केस हो ही गया जो पॉइंट और लाइन पर हमने सीखा, ठीक है ना। मेथड टू को जरा देखिए ध्यान से। अब अगर आप इस पॉइंट को देखो जिसके कोऑर्डिनेट हैं a, a², तो जरा इस पॉइंट को देखो और इसको जरा इमेजिन करने की कोशिश करो, ये पॉइंट कौन से कर्व पर लाई करेगा। हालांकि अभी हमने वो डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना, हम आगे डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अभी तो स्टार्ट हुई है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन
आपके फिजिक्स वाले सर ने ये पॉइंट जरूर डिस्कस किया होगा। आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहा होगा कि ये कैसा है, पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है ना। अब इस फंक्शन पर ये पॉइंट जब आप रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ये पॉइंट देखा जाए तो एक पैराबोला पे लाई कर रहा है, जिस जो कौन सा पैराबोला है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ऑल राइट, ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है। पैराबोला अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे नहीं पढ़ा, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि आपके फिजिक्स वाले सर ने पढ़ा दिया होगा। अरे एक चैप्टर है फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन, वहां पर आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो तो वहां पर सिखाया जाता है आपको कि ये जो आप देख रहे हो ना कि y इक्वल्स टू ए स्क्वायर समथिंग, जो कर्व होते हैं वो पैराबोलिक होते हैं, ओपनिंग अपवर्ड होते हैं। ऑल राइट, तो ये वहां पर पढ़ा होगा, आप देखिए जरा इस पॉइंट को यहाँ पर रखिए इस फंक्शन पे, तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट यहीं पर ही कहीं टहल रहा होगा। अब देखिए जरा, हम ये दो लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक लाइन जो है y इक्वल टू x बाई टू और दूसरी लाइन है y इक्वल टू 3x। तो जब ये लाइन को आप ड्रॉ करोगे तो देखिए जरा, ओरिजिन से पास करेगी, एक लाइन कुछ इस तरह से जाएगी और दूसरी लाइन का जो स्लोप होगा वो इससे ज्यादा है तो वो इस तरह से पास करेगी, है ना। दोनों ने कहां पर इंटरसेक्ट किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। मतलब कहने का कि ये जो पॉइंट है ये पूरे कर्व पे ही तो मूव कर रहा है, मतलब ये पॉइंट जो है वो यहां पर भी घूम रहा होगा इस पर्टिकुलर रीजन पे, यहां पर भी टहल रहा होगा। तो अगर हम ये कह दें कि ये वैल्यू निकाल लें और ये वैल्यू निकाल लें तो हमें मालूम चल जाए कि ये जो पॉइंट है ये कहां से कहां तक, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, है ना, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो जरा देखिए, हमारे पास एक वैल्यू है क्या y इक्वल टू x बाई टू और दूसरा फंक्शन क्या है y इक्वल टू x। तो इस लाइन के लिए देखते हैं y इक्वल टू x के लिए, y इक्वल टू x बाई टू के लिए, तो यहां पर रखें x बाई टू इक्वल टू x स्क्वायर, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो x की एक वैल्यू तो आ गई 1 बाई टू, है ना। और इस लाइन के लिए देखें जरा, तो y इक्वल टू x स्क्वायर और y इक्वल टू 3x भी है, मतलब 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो यहां से तो ये क्लियर हो गया कि यहां पर जो एब्सिसा होगा वो 1 बाई टू समथिंग होगा और यहां पर जो एब्सिसा होगा वो 3 समथिंग होगा, यानी a की जो वैल्यू होगी वो इसी रीजन पे तो लाई कर रही होगी। और x देखिए यहां पे एब्सिसा इसका क्या है, a है, और हमसे a पूछ रहा है कहां पर बिलोंग करेगा, तो आप इजिली कह देंगे 1 बाई टू से 3 तक बिलोंग करेगा। बोलिए बात समझ पाए। तो ये एक कंसेप्ट था जो पैराबोला की हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया। अभी आपने पैराबोला पढ़ा नहीं, लेकिन इतना जितना यहाँ पर यूज हुआ ये आपने फिजिक्स में ही पढ़ रखा है। तो ये तो था हमारा कंसेप्ट क्या, पॉइंट एंड लाइन, मतलब हमें ये बताना था किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी थी एक पर्टिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में। ऑल राइट, तो अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके।